यूक्रेन में जारी रूसी हमले अब दूसरे महीने में पहुंच गए हैं और पुतिन की सेना को अब तक कोई बड़ी सफलता मिलती नहीं दिखाई पड़ रही है। वहीं यूक्रेन की सेना नाटो की ओर से मिल रहे हथियारों के दम पर रूसी सैनिकों पर भारी तबाही मचा रही है। इस बीच पश्चिमी देशों में ऐसी अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या रूस कीव या किसी अन्य शहर पर परमाणु बम से हमला कर सकता है। इस आशंका पर रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने जवाब दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि रूस के अस्तित्व पर जब तक खतरा नहीं आता है हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस केवल तभी परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा जब उनके देश के अस्तित्व पर खतरा आएगा, ना कि यूक्रेन में जारी संघर्ष के नतीजों को देखते हुए। पेस्कोव ने साथ ही कहा, यूक्रेन में जारी अभियान का कोई भी परिणाम निकले, निश्चित रूप से यह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का एक कारण नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी भी एक सुरक्षा नीति है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध कब शांत होगा, यह आने वाला ही समय बताएगा। देश में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं भारतीय तेल कंपनियों ने 29 मार्च को भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 29 मार्च को पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इसी के साथ राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 29 मार्च को 115 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचा, जबकि डीजल की कीमत 99 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई। राजधानी दिल्ली समेत सभी प्रमुख महानगरों में अब पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 26% तक गिर गई है, जिसके बावजूद राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने 22 मार्च से अब तक 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। आज यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को यूपी विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, तो इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सतीश महाना को बधाई देते हुए सदन को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं, दोनों मिलकर ही सकारात्मकता के भाव के साथ प्रदेश की जनता का विकास कर सकते हैं। हमने चुनाव के दौरान देखा है कि नेताओं ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप किए। हम कह सकते हैं कि जनता कभी भी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती है, हमेशा प्रगतिशील सोच को स्थान देती है। जो सकारात्मक होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें यूपी के विकास के बारे में सोचना है, युवाओं के विकास के बारे में सोचना है और महिलाओं के विकास के बारे में भी सोचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश उन सारी उम्मीदों को पूरा कर सकता है जो देश की जनता करती है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बधाई देते हुए कहा कि 8 बार विधायक चुने जाना बड़ी बात है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सतीश महाना और चुने गए विधायकों को बधाई भी दी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, फिर चाहे वो चुनाव को लेकर हो या फिर राजनीतिक गलियारों में नेताओं की बयानबाजी को लेकर हो। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से बीजेपी ने एक सालों पुराने मिथक को तोड़ा है और सत्ता में एक बार फिर से काबिज हुई है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी ने हिंदू मुस्लिम कर प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। साथ ही उन्होंने कहा, यूपी चुनाव 2022 के रिजल्ट में बसपा केवल एक ही सीट पर सिमट गई है। हालांकि पार्टी ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मायावती ने कहा कि दोनों पार्टियों ने प्रदेश में हिंदू मुस्लिम को लेकर आतंक का माहौल बना दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में मेहनत करेंगे और लोकसभा में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन बीएसपी को लेकर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीएसपी अब उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिट नहीं बैठती है। बीएसपी का अब वो वर्चस्व नहीं रहा जो पहले के समय में होता था। हालांकि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए बेहतर प्रदर्शन करना एक बेहद बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान सुरेश भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समय सीमा को
30 सितंबर तक बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा पहाड़ी राज्य होने की वजह से हिमाचल प्रदेश आर्थिक समस्या से भी जूझता है। ऐसे में पहाड़ी राज्य के लिए प्रोजेक्ट्स को 90:10 में लाने की बात कही गई है ताकि हिमाचल प्रदेश को इससे फायदा मिल सके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की। नड्डा के साथ ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस साल चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में सुरेश भारद्वाज ने सरकार के कार्यों के बारे में जगत प्रकाश नड्डा को जानकारी दी। क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, ऐसे में वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को गहनता से समझते हैं और यही वजह है कि बीजेपी मिशन रिपीट के लिए और ज़्यादा आश्वस्त नजर आ रही है और जगत प्रकाश नड्डा पर भी हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट करवाने का बहुत ज़्यादा दबाव है। सरकार ये दावा कर रही है कि किसी भी हाल में बीजेपी विकास के कार्यों को लेकर डबल इंजन के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर दम तोड़ती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 1200 ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 35 मरीजों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1600 ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 15,000 के करीब पहुंच गई है। बता दें कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 4,30,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,24,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 5,21,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 183 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं अगर बच्चों के वैक्सीनेशन की बात करें तो 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को करीब 1.25 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 47 नए मरीज सामने आए और 4 मरीजों की मौत हो गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कोरोना से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 1 अप्रैल से टोल की दरों में बढ़ोतरी होने जा रही है और आपका सफर महंगा हो सकता है। KMP और KGP पर भी आपका सफर महंगा होगा। हालांकि वहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि यहां पर ना तो लाइट है और ना ही पेट्रोल पंप की सुविधा है, लेकिन टोल कंपनियां टोल बढ़ाने जा रही है और तर्क दिया जा रहा है कि जो कोरोना काल में टोल कंपनियों को घाटा हुआ था उसकी पूर्ति के लिए टोल बढ़ाया जा रहा है। हालांकि डीजल पेट्रोल की कीमत भी लगातार बढ़ रही है, जिससे कि आम आदमी महंगाई से त्रस्त होते नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद अब टोल कंपनियां भी अपनी दरों में बढ़ोतरी करेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों का सफर महंगा तो होगा लेकिन दोहरी मार भी लोगों को झेलनी पड़ेगी। एक तरफ चैत का महीना यानी कि गर्मी की शुरुआत होते ही जनता के पसीने आने लगते हैं, लेकिन इस बार लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी का पसीना निकालना शुरू कर दिया है। क्या एक बार फिर महंगाई का दौर शुरू होने जा रहा है? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ, सीमेंट, आटा, डाटा, सरिया, रसोई की सामग्री, यातायात पर भी पड़ने वाला है। यानी कि आने वाले समय में एक आदमी का आम बजट और उसकी जेब ढीली होने वाली है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब गर्मी से पहले लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के कारण लगातार बढ़ रही है महंगाई, आम आदमी को या बढ़ते हुए तेल के दाम कितना और कब तक परेशानियों में इजाफा करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। ट्रेड यूनियंस की हड़ताल राष्ट्रव्यापी का आज दूसरा दिन है, जिसका असर जो है शिमला में भी देखने को मिला। राजधानी शिमला में C2 के बैनर तले विभिन्न संगठनों द्वारा उपायुक्त कार्यालय शिमला से लेकर शेर ए पंजाब तक एक रैली निकाली गई और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस रैली में करीब सैकड़ों की संख्या में विभिन्न संगठनों से आए हुए लोगों द्वारा हिस्सा लिया गया और सरकार के खिलाफ विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद शेर ए पंजाब के पास धरना प्रदर्शन भी किया गया। C2 के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में जिस तरह से भर्तियां की जा रही है, तो ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो है कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा आउटसोर्स की जो है कहीं ना कहीं आउटसोर्स में अगर भर्ती करनी है तो उसके लिए एक स्थायी नीति बनाए। इसके अलावा आशा वर्कर की बात है तो आशा वर्कर या मिड डे मील वर्कर जो है उनको जो है नियमित पॉलिसी उनके लिए बनाई जाए और नियमित वेतन जो है उनके लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा
मजदूरों की बात करें तो मजदूरों के न्यूनतम वेतनमान की जो है वो मांग कर रहे हैं कि 21,000 न्यूनतम वेतन जो है मजदूरों का होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल, डीजल और सब्जियों की, गैस की बात करें, गैस सिलेंडर भी पूरे देश में महंगा हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल के रेट भी बढ़ रहे हैं। इसको जो है कहीं ना कहीं सरकार से वो कम करने की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में ये हड़ताल जो है एक उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाएगी। पिछले दो दिनों से राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रही है। इसी हड़ताल के दौरान रोडवेज विभाग द्वारा दो दिन का चक्का जाम का आह्वान किया गया था। आज दूसरा दिन है और रोडवेज विभाग द्वारा चक्का जाम है। इसको लेकर कर्मचारियों का कहना है कि पिछले काफी समय से प्रदेश सरकार को विभाग के कर्मचारी अपने मांगों को लेकर मिल रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई भी गौर नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि इस दो दिन की हड़ताल के दौरान रोडवेज विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर फिर भी सरकार नहीं जागती है तो अपने सहयोगी संगठनों से बातचीत कर फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार कब तक इन कर्मचारियों की मांगों पर गौर करती है या कर्मचारी ऐसे ही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी वर्षों से लंबित पड़ी मांगों को पूरा नहीं कर रही और उनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि सबसे पहले ही मांग उनकी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें और वेतन विसंगति, वहीं पुरानी पेंशन बहाल की जाए और वेतन भत्ता भी लागू किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से कई दौर की वार्तालाप हो चुकी है लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी की जाती है और उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती। इसी को लेकर दो दिन की हड़ताल का निर्णय लिया गया था और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने इस हड़ताल में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं सुबह से ही रोडवेज कर्मचारी भी बस स्टैंड के गेट पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए और धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं कर्मचारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने कोशिश भी की लेकिन कर्मचारियों ने एक भी बस को नहीं चलने दिया। वहीं पुलिस बल भारी मात्रा में पहुंचा और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दिया गया। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उन दमनकारी नीति अपना रही है और सरकार इसी तरह उन पर दमनकारी नीति अपनाती रही तो एक दिन बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। जिले में लगातार फसल कटाई के साथ साथ अब आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। अगर बात करें दमकल विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार तो पूरे जिले में 360 के करीब आगजनी की घटनाएं होती हैं। उनमें से आधे से अधिक फसल कटाई के समय होती हैं। इसके पीछे अधिकारी मानते हैं एक लापरवाही, दूसरी वजह दुश्मनी। दुश्मनी और लापरवाही के कारण 160 से अधिक जिले में आगजनी की घटनाएं यहां घटती है। अगर बात करें दमकल विभाग के अधिकारियों की तैयारियों की तो तैयारियों के नाम पर उन्होंने बताया है कि इसके लिए लगातार अभियान चला रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर तथा बिजली के तारों के नीचे अपनी फसल ना रखें। साथ ही दुश्मन जो है उन पर भी इस तरह की पैनी नज़र रखें। अपनी फसल जहां एकत्रित की गई है वहां रात्रि में सोएं और अपनी फसल को दुश्मनों से बचाएं। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज जो लगातार दूसरे दिन भी यहां पर हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों को लगातार यहां पर मनवाने के लिए हड़ताल पर अड़े हुए हैं। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां पर कर्मचारी हड़ताल पर ना हो। खासतौर रोडवेज यूनियन व स्वास्थ्य विभाग की जो यूनियन है उनकी हड़ताल का जनता पर सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है क्योंकि यह सेवाएं जनता से को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। वहीं सरकार भी अभी तक बार बार कर्मचारियों के आह्वान के बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं मान रही है जिससे मजबूर होकर कर्मचारियों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि चाहे पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली की मांग हो या पक्के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की मांग हो, इन मांगों को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरा कर पाती है। 1 अप्रैल से टोल की दरों में बढ़ोतरी होने जा रही है और आपका सफर महंगा हो सकता है। KMP और KGP पर भी आपका सफर महंगा होगा। हालांकि वहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि यहां पर ना तो लाइट है और ना ही पेट्रोल पंप की सुविधा है, लेकिन टोल कंपनियां
टोल बढ़ाने जा रही है और तर्क दिया जा रहा है कि जो कोरोना काल में टोल कंपनियों को घाटा हुआ था उसकी पूर्ति के लिए टोल बढ़ाया जा रहा है। हालांकि डीजल पेट्रोल की कीमत भी लगातार बढ़ रही है जिससे कि आम आदमी महंगाई से तरस होते नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद अब टोल कंपनियां भी अपनी दरों में बढ़ोतरी करेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों का सफर महंगा तो होगा लेकिन दोहरी मार भी लोगों को झेलनी पड़ेगी। पांवटा साहिब में एक दिन में 3 मारपीट के मामले सामने आ गए हैं। पुलिस टीम ने 3 मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताते चलें कि पांवटा सिविल हॉस्पिटल के बाहर एक युवक को जमकर मारपीट की गई, तो वहीं गुत्तनपुर में भी गुज्जर बस्ती में एक व्यक्ति को उनके परिवार से मारपीट की गई जिसने युवक को काफ़ी चोटें भी आई है। पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं 3रा मामला आज जामनीवाला पंचायत में सामने आया है जहाँ पर माँ बेटे को लहूलुहान किया गया है। पुलिस ने 3 मामले में गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए DSP वीर बहादुर ने कहा 3 मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। के नहाने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो घुमारवी के सिरखड का सामने आया है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 5 से 10 साल के बच्चे सिरखड में स्टंट मारते हुए देखे गए हैं। बता दें आपको सिरखड में छोटे छोटे बच्चों काफ़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हो गया है बच्चे नहाने के लिए सिरखड पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से खड्ड में छलांगे मार रहे हैं। हाल ही में प्रशासन के द्वारा 2 महीने पहले एक बैठक का आयोजन जल शक्ति विभाग, अन्य विभाग और स्कूल प्रशासन के तहत किया गया था कि खड्डों के पास बच्चों को जाने से रोका जाए और वहीं पर जल शक्ति विभाग को वहां पर तार लगाने के आदेश भी प्रशासन द्वारा दिए गए थे, पर लेकिन वो बातें बैठक तक ही सीमित रह गई। हाल ही में अब पिछले कल कुछ बच्चों का वीडियो वहां पर खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और 5 से 10 साल के बच्चे सिरखड में छलांग मारते हुए नजर आ रहे हैं। 6 महीने पहले ही उस सिरखड में 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी, फिर भी प्रशासन उन बच्चों की मौत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। अब देखना यह है कि इस वीडियो से प्रशासन कितना जागरूक होता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन कल से यानी कि 30 तारीख से किया जाएगा। आपको बता दें कि 6,48,000 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में भाग लेंगे। 372 फ्लाइंग की टीमें यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि नकल रहित परीक्षाएँ इस बार आयोजित करवाई जा सके। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 7 प्रदेश स्तर के ऊपर ऐसे सेंटर बनाए हैं जहां पर जब जब एग्ज़ाम होगा वहां पर बैठ करके मॉनिटरिंग की जा सकेगी। नकल रहित परीक्षा हो इसके लिए वहीं बैठकर ही देखा जा सकेगा कि कहीं नकल तो नहीं चल रही है। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का कहना है कि धारा 144 लगाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया है ताकि जिस समय एग्ज़ाम हो उस समय धारा 144 लगाई जा सके। एग्ज़ाम सेंटरों के बाहर भारी हस्तक्षेप ना हो, यहाँ तक कि जो दुकानें हैं फोटोस्टेट दुकानें हैं उन दुकानों पर भी पाबंदी लगाई जा सके ताकि पेपर अगर बाहर आता है तो वहाँ की फोटोस्टेट होकर के पेपर वायरल ना हो सके। पूर्ण तरह की तैयारियाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कर ली हैं। बोर्ड सचिव और बोर्ड चेयरमैन ने इसके लिए एक बैठक का भी आयोजन बोर्ड परिसर के अंदर किया है और सारे दिशा निर्देश भी अधिकारियों व कर्मचारियों को दे दिए गए हैं।